आपको तो नाचना ही नहीं है, आपको तो फोन करना ही नहीं है, आपको तो वहाँ लड़ाई करनी है, आपको तो एक महाबहन की गाली देनी है। अगर आपको लड़ाई ही करना है तो ठीक है, अखाड़ा खोल दो भाई, अपने में लड़के आदमी जो जिसको जितना दम होगा समझ लेगा। वहाँ देखिए वही शो में दिख सकता है जो अबल दर्जा का गाय। इतनी जल्दी कैसे लगा? बस तेली मसाला के जितनी भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम, और मैं अपने पूरी हिंदुस्तान के जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ साथ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के लोगों को, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार झारखंड के जितने भी लोग जो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया, भोजपुरी के सारे लोगों को और भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं हमेशा आभार प्रकट करूंगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और दिल से वोट किया, उसके लिए थैंक यू। आप एक चीज़ जानना चाहूँगी खेसारी जी, आपको जो दर्शक वेट कर रहे थे जिस तरह से आपका एक पर्सनल टच देखने के लिए, क्या लगता है कितना आपने उनके सामने वो चीज़ लाने की कोशिश की? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अंदाज था वो शायद दर्शक मिस कर रहे थे कि किस तरह से खेसारी हो सकते थे घर के अंदर, और थोड़ा सा शांत स्वभाव लगा उनको, क्या कहेंगे इसके बारे? देखिए मेरे कहने का मतलब कि वो शो 24 घंटा का होता है, बट दिखाया तो 85 मिनट जाता है, 50 मिनट या 1 घंटा दिखाया जाता है, लेकिन मैं वहाँ क्या किया हूँ? ऐसा तो नहीं जी मैंने कुछ किया नहीं होगा, मैंने किया था, मैं सोच के गया था, मैं जब गाना गाता हूँ तो 3 से 4 लाख पब्लिक हमें देखती है और मैं 4 घंटे तक उनका इंटरटेन करता हूँ और कोई हटता तक नहीं है, तो मुझे ही लगा था कि मुझे वहाँ गाना गाऊँगा, मैं मस्ती करूँगा, नाचूँगा, मैं वही आदमी हूँ। और मुझे वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही लगा कि नहीं भाई, आपको तो गाना गाना ही नहीं है, आपको तो नाचना ही नहीं है, आपको तो फ़ोन करना ही नहीं है, आपको तो वहाँ लड़ाई करनी है, आपको तो एक महाबहन की गाली देनी है, जिस हिसाब से माहौल उस घर का बन गया है, जबकि मुझे लगता है कि बिग बॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप किसी को माँ बहन की गाली दो, बिग बॉस ने कभी ऐसा स्क्रिप्ट दिया ही नहीं किसी को, बट उस घर में रहने वाले अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आप मेरी बहन की तरह हैं, आप ऐसा गाली पसंद करती हैं सुनना? नहीं करती। आप माँ की गाली पसंद करना शुरू करती? नहीं करती। हमारे समाज और पूरे हिंदुस्तान के कल्चर में यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने संस्कार को ऊपर करें और आने वाली पीढ़ी को एक संकेत दें, और क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं और हमसे लोग आशाएँ भी रखते हैं कि हम अच्छाइयों को प्रमोट करें। अगर आपको लड़ाई ही करना है तो ठीक है, अखाड़ा खोल दो भाई, अपने में लड़के आदमी जो जिसको जितना दम होगा समझ लेगा जी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ जुबान की लड़ाई है। वहाँ देखिए वही शो में दिख सकता है जो अबल दर्जा का गाली दे सकता है, जो अबल दर्जा का मुंह पे थूक सकता है, जो अबल दर्जा उसकी होगी, जिसकी पर्सनालिटी होगी, जो कितना चढ़ सकता है, लड़के मर सकता है। और मेरा नेचर वैसा नहीं है, मैंने अपने जीवन को बड़ी सलीनता के साथ चलाया है, और मैं सबसे बोलना भी चाहूँगा कि अगर गाली देकर मुझे ऊपर आना होगा तो मैं ऐसे शोहरत कभी पाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिस कोक से मैं पैदा हुआ हूँ उस कोक को गंदा नहीं कर सकता। और पूरी हिंदुस्तान की भी जनता ये चाहती है कि और इंटरनेशनल चैनल पे हम जाकर और अपनी ही माँ को, अपनी ही मिट्टी के लोगों को गाली दें, शायद मैं नहीं कर पा रहा था और नहीं मैं कर पाता, इसलिए मुझे लगता है कि वो शोहरत मेरे लिए बेकार है जिसमें आपके मर्यादा और आपके प्रतिष्ठा और आपकी माँ बहन की प्रतिष्ठा के साथ खेला जाता है, वैसा शोहरत मुझे नहीं चाहिए था। मैं जहाँ हूँ अपने लोगों में बड़ा खुश हूँ, और भगवान का बनाया हो दुनिया, ईश्वर का बनाया हो दुनिया बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ एक से एक चेहरे हैं जिसको देखकर एक फूल नज़र आता है, और ये फूल की तरह ये पूरी दुनिया है, और हर आदमी कहीं ना कहीं खिला हुआ है और अपने जीवन में खुश है, तो ये दुनिया बहुत अच्छी है। हम चर्चा प्याज पे करने नहीं गए थे, हम तो वहाँ इंटरटेन करने गए थे, लेकिन मुझे क्या पता कि वहाँ आटा के लिए लड़ना पड़ेगा, अंडा के लिए लड़ना पड़ेगा, मिर्चा के लिए लड़ना पड़ेगा, और मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं है, और हमने ना किसी को गाली दी है और ना ही गाली सुनना पसंद करें। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से आपने कहा जिस हफ्ते से अभी आप आए हैं काफ़ी ज़्यादा लड़ाई धमाका हुआ वहाँ पर, क्या कहेंगे ये सारी जो लड़ाई थी किस तरह की थी? क्योंकि आपने हमेशा सबको रोकते हुए दिखे, तो क्या कहेंगे जो आसिम और सिद्धार्थ का लड़ाई जो हो रहा था, कितना आपको लगा कि ये ज़रूरी था या उसको सॉल्व भी किया जा सकता था? देखिए वो शो के लिए ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि अब दिख नहीं रहे थे, तो उस शो के लिए वो लोग परफेक्ट हैं, वो एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं, वो परफेक्ट हैं, उनका उनका संस्कार वो है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें वो गलत उनको मैं नहीं बोल सकता है, बट मेरे संस्कार में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया और ना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ बहन की गाली सुनने तो गया नहीं था और ना ही मैं गाली देने गया था, मैं तो इंटरटेन करने गया था और मैंने किया भी था बाहर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है, क्योंकि वो इंटरटेन पार्ट बहुत कम दिखाया जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिखाया नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं उस जगह के लिए नहीं बना था, और मैं आने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया है,
मैं जो किया हूँ मुझे खुद पे विश्वास है। और जितने लोगों से बात हुआ मेरी, कल पटना से दो चार औरतें मुझे फ़ोन कर की थी और बोली कि वीक वॉश का विनर तू कैसा है। मैं बोला कि विनर मैं कहाँ, तो उन्होंने बोला कि हमारी नज़र में विनर तू ही है, क्योंकि तू पहला ऐसा उस बिग वॉश का आदमी है जिसने किसी की माँ बहन को गाली तक नहीं दी और ना ही अपने माँ बहन की गाली सुनी। तो हमारे लिए तो जीता है, तू हारा नहीं है बेटा। तो मैं बोला कि थैंक यू माँ जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो यही चीज़ है, जीतने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को हम गाली दें और प्रमोट करें गाली को। एक चीज़ जानना चाहूँगी, अभी हिमांशी और शहनाज की जो लड़ाई हुई थी, क्या लगता है कि किस तरह से हिमांशी कभी अपना स्टैंड लेती हैं, कभी शहनाज अपना स्टैंड लेती हैं, कोई गलती आपको लगती है? अभी धक्का दिया था उन्होंने, तो क्या कहेंगे किस तरह का था, क्योंकि आप साथ में थे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। शहनाज बहुत खुली विचार की लड़की हैं और शहनाज ठीक है, वो इधर उधर करती हैं भाई, उनका गेम प्लान है, उसके लिए मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ, सब लोग खेलते हैं तो भी खेल रही हैं। लेकिन शहनाज बहुत मैंने अव्वल दर्जा की लड़की हैं, वो मैंने समझू कि अब बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। दूसरी चीज़ है कि शहनाज बड़ी फनी लड़की हैं, पल पल में हंसाना हंसना खेलना, वो रिजर्व लड़की नहीं है जी। लेकिन ये रिजर्व बनने की कोशिश कर रही हैं, बट ये है नहीं। एक औरत औरत का जहाँ सम्मान नहीं कर सकती है, वो घर घर नहीं हो सकता, और उस औरत का विचार को मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इसलिए शहनाज द गुड, लेकिन वहाँ वो कोशिश कर रही हैं कि मैं अच्छी हूँ। जो आपने जिनका नाम लिया, क्या हिमांशी जी, हिमांशी जी कोशिश कर रही हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट वैसी है ही नहीं। Okay. है गुड, अगर कोई है तो वो शहनाज है। एक चीज़ जानना चाहूँगी, घर के अंदर सब कुछ आपने देखा है, टीमें बती हुई हैं, तो क्या लगता है कौन सी टीम है, क्योंकि अभी पारस भी अपना ग्रुप बदल चुके हैं मायरा के साथ, वो जो सिद्धार्थ के साथ आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो टीम उन्होंने बदली किस वजह से बदली होगी? देखिए, जिसका जहाँ विचारधारा मिलता है वहाँ पर किसी का कोई टीम ही नहीं है, सब लोग अपने आप हिसाब में खेल रहे हैं, जिसको जहाँ सहूलियत मिलता है, जिसको जहाँ प्यार मिलता है वहीं घुस जाता है। तो उस घर के लिए मत बोलिए कि वहाँ टीम है, वो कोई इंडिया और पाकिस्तान का टीम नहीं है वहाँ पे, जो लोग एक हिसाब से खेलेंगे। वहाँ कोई कहीं भी है और कोई किसी स्तर तक जा सकता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो उस घर के परिवार के बारे में बोलिए ही मत, क्योंकि वहाँ हर आदमी अलग अलग माँ बाप से पैदा हुआ है, उनको अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कराना है और ना ही किसी का करना है। तो उस विचारधारा का मैं इंसान नहीं था, इसलिए मेरे लिए बाहर बहुत अच्छी दुनिया है। अच्छा, आपसे क्विक रिप्लाइज मांगूंगी मैं कुछ, जहाँ आपको बताना होगा कि कौन समय आने पर वीक हो सकता है और समय आने पर स्ट्रांग भी हो सकता है। तो पहला नाम लूंगी देवलीना और आरती का, तो क्या लगता है कौन समय आने पर वीक हो सकता है और कौन स्ट्रांग हो सकता है? ये दोनों निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर वो चीज़ें नहीं है, मुझे जैसा लग रहा है। ओके, फिर अगर पारस और आसिम की बात की जाए तो कौन वीक और स्ट्रांग पड़ सकता है? पारस से स्ट्रांग शुरू से है, आसिम अगर एग्रेशन और गाली गलौज छोड़ दें तो ठीक है, वो अच्छा है। रश्मि और सिद्धार्थ की बात करें तो कौन आपको लगता है? सिद्धार्थ जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो चिल्लाना और झगड़ा करने में उनका अव्वल दर्जा है, तो शायद उसको के लिए बेटर है वो। विशाल और हिंदुस्तानी भाव की बात की जाए तो क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कौन वीक हो सकता है? विशाल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसलिए कि विशाल के अंदर सोचने की शक्ति है, भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देने पर वो तड़पड़ा जाते हैं, तो वो वीक हो सकते हैं। लास्टली मायरा और शिफाली बची हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कौन स्ट्रांग हो सकता है कौन वीक हो सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, शिफाली जिस हिसाब से गेम खेल रही हैं वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, बट माहिरा इंटरटेनर भी हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं और बातों को रखना बहुत अच्छा से जानती हैं, तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो माहिरा बेटर है। अच्छा, आपके हिसाब से लास्टली अगर किसारी आपको कहना होगा कि अब जब आप नहीं है शो के बाग पार्ट में, तो कौन हो सकता है जो फाइनल तक जा सकता है और आपको क्या क्यों लगता है? पारस लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि उसका गेम खेलने का तरीका जिस हिसाब से गेम खेलना चाहिए उसी हिसाब से वो खेल रहे हैं, तो पारस का चांस मेरे हिसाब से ज़्यादा है। लास्टली अपने व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई चाहते हैं कि किस तरह से आप उनके सामने आए और इन कुछ मैसेज दें अपनी तरफ से? मैं यही चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुद को प्रमोट करने के लिए किसी को गाली देना हो तो प्लीज़ भाई आप खुद को प्रमोट मत करिएगा, मेहनत करके अपने जीवन को चला लीजिएगा, लेकिन जीवन में हमेशा उस माँ बहन का इज्जत करिए जिस कोख से आप पैदा हुए हैं, उस कोख को गंदा कभी मत करिएगा, क्योंकि माँ शब्द और बहन शब्द बहुत बड़ा होता है, और मैं वहाँ सुन के आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए कभी भी आपको खुद को प्रमोट करना होना तो मेहनत करके करिएगा। लव यू और खुश रहिए। सामने आए और इन कुछ मैसेज दें अपनी तरफ से। मैं यही चाहता हूं कि अगर जीवन में खुद को प्रमोट करने के लिए किसी को गाली देना हो तो प्लीज़ भाई
आप खुद को प्रमोट मत करिएगा, मेहनत करके अपने जीवन को चला लीजिएगा, लेकिन जीवन में हमेशा उस माँ बहन का इज्जत करिए जिस कोख से आप पैदा हुए हैं, उस कोख को गंदा कभी मत करिएगा, क्योंकि माँ शब्द और बहन शब्द बहुत बड़ा होता है। और मैं वहाँ सुन के आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कभी भी आपको खुद को प्रमोट करना होना तो मेहनत करके करिएगा। लव यू और खुश रहिए।